अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि उनके फैंस उन्हें हर रूप में फॉलो करते हैं। कभी उनकी जीन्स, कभी उनके हेयर स्टाइल की नकल करते हैं, तो कभी उनके ब्रेसलेट को अपने लुक में शामिल करने की कोशिश करते हैं। सलमान का ये सिग्नेचर ब्रेसलेट उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सलमान खान हमेशा वही ब्रेसलेट क्यों पहनते हैं? इसका जवाब जितना दिलचस्प है उतना ही खास भी। ब्रेसलेट का सलमान से पुराना नाता। कई साल पहले एक इवेंट में सलमान खान ने इस ब्रेसलेट की कहानी साझा की थी। टी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सलमान ने बताया था, मेरे पिता सलीम खान हमेशा से इस तरह का ब्रेसलेट पहनते आ रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ तब से मैंने उनके हाथ में ये देखा। मैं जब छोटा था तो मुझे ये बहुत आकर्षक और कूल लगता था। मैं अक्सर इसके साथ खेला करता था, इसलिए जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मेरे डैडी ने मुझे भी वैसा ही ब्रेसलेट गिफ्ट किया। क्या है इस पत्थर की खासियत? सलमान का ब्रेसलेट सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक खास पत्थर फिरोजा से बना हुआ है। सलमान ने बताया था कि फिरोजा दुनिया के दो जीवित पत्थरों में से एक है। इसे तिब्बत, ईरान, चीन और मैक्सिको जैसे देशों में पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह आने वाली हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ले लेता है, और जब यह पूरी तरह से नकारात्मकता को सोख लेता है तो यह पत्थर टूट जाता है। सलमान खान ने ये भी बताया कि उनका फिरोजा पत्थर अब तक 6 बार टूट चुका है और इस समय वह अपना 7वां पत्थर पहन रहे हैं। यही वजह है कि वह कभी भी इसे पहनना नहीं भूलते। उनके लिए यह ब्रेसलेट सिर्फ एक फैशन एक्सेसरी नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें नकारात्मकता से दूर रखता है। सलमान का ब्रेसलेट फैंस के लिए एक प्रतीक। सलमान खान का ये ब्रेसलेट उनके फैंस के बीच भी खास पहचान बना चुका है। लोग इसे सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं बल्कि एक शुभ प्रतीक मानते हैं। सलमान की तरह उनके प्रशंसक भी मानते हैं कि यह ब्रेसलेट उन्हें नकारात्मकता से बचाने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप सलमान खान को उनके ब्रेसलेट के साथ देखेंगे तो याद रखें कि यह सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे वह दिल से संजोकर रखते हैं।